In this session, we will discuss about how we create first application using Django. Create application using Django framework. ठीक है? तो ये जो आपका session है, इसमें हम Django framework के बारे में discuss करेंगे. मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि Django framework क्या है. It is framework of Python to create web applications. ठीक है? Web applications बनाने के लिए ये framework है. जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल फ्रेमवर्क है, लाइट वेट फ्रेमवर्क है, सिक्योर फ्रेमवर्क है. इसका इंस्टॉलेशन स्टेप यही है कि यदि आपको जेंगो इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको पहला कमांड PIP इंस्टॉल जेंगो क्या है इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा और सबसे पहले आपको PIP इंस्टॉल जेंगो लिखना पड़ेगा. ठीक है? यदि PIP अवेलेबल नहीं है तो आप PIP को डाउनलोड कर सकते हो. इस साइट में जाकर के PIP को डाउनलोड करो और PIP को डाउनलोड करने के बाद आप इसको सी ड्राइव के अंदर या जिस भी ड्राइव में आपको रखना है उस ड्राइव में रख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पर PIP डाउनलोड किया हुआ है. ठीक है? ये इंस्टॉलेशन का स्टेप है. PIP डाउनलोड करने के बाद इसके बाद आपको ये चेक करना है कि पाथ क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए. ठीक है? पाथ सेट करने के लिए आपको पता है, आपको जैसे आपने जावा में पाथ सेट किया होगा या किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में अपन पाथ सेट करते हैं, वैसे ही आपको पाथ सेट करना है. पाथ सेट करने के लिए सिंपल मैं आपको फिर से बता देता हूँ. यहाँ पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए. प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए. इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको जाना है. इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो भी यहाँ पे न्यू लिखना है, न्यू लिखने के बाद पाथ और यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड पाथ है, जैसे मेरे सिस्टम पर तो ऑलरेडी पाथ सेट है. यदि आपके सिस्टम में करना है तो ये दोनों पाथ आपको सेट करना पड़ेगा. बट ये है कि आप यहाँ पर इस लोकेशन को पहले चेक कर लेना है. सी ड्राइव यूजर्स, जो भी आपका यूजर नेम होगा, ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम्स, यहाँ पर पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद ये दोनों फोल्डर्स होंगे, इनके थ्रू आप दोनों पाथ सेट कर सकते हैं. ठीक है? तो पाथ सेट करने के लिए सिंपल आपको पाथ और यहाँ पे ये जो पाथ है आपका, इस पूरे पाथ को कॉपी करके सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट करना है. इसे दूसरा पाथ लेने के लिए आप यहाँ पे डॉट सेमीकॉलन लगा करके दूसरा पाथ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. वैसे बाय डिफॉल्ट जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसमें पूछता है कि आपको PIP इंस्टॉल करना है. यदि आप उस समय PIP इंस्टॉल कर लेते हो तो ये सब स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं होती. आपको सिर्फ पाइथन के अंदर जेंगो इंस्टॉलेशन करना पड़ता है. ठीक है? तो PIP कब हम इंस्टॉल करेंगे? यदि आपने PIP इनेबल नहीं किया है, फॉर एग्जांपल जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उस केस में आप अलग से भी PIP इंस्टॉल कर सकते हो. तो ये स्टेप है. ठीक है? तो इसके बाद ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? PIP इंस्टॉल Django. क्या लिखना पड़ेगा? PIP इंस्टॉल Django और उसके बाद आपका Django क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा. आप पहले चेक कर लो कि आपके मशीन पे Django है कि नहीं है. इसके लिए सिंपल आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है. cd/ से आप डायरेक्टरी पे आ जाओगे, रूट डायरेक्टरी पे आ जाओगे. यहाँ पर आप इसमें सिंपल लिख दो पाइथन. पहले तो आप चेक कर लो कि पाइथन का पाथ सेट है कि नहीं. यदि ऐसा लिखने के बाद यदि पाइथन मोड पे आपका स्क्रीन आ जाता है, देयर मीनिंग इज दैट कि आपके मशीन पे पाइथन का पाथ सेट है. ठीक है? ये पहला, इससे आप श्योर हो सकते हो कि पाइथन इज कम्प्लीटली सेट. कंट्रोल जेट करके आप बाहर आ सकते हो. जैसे आप कंट्रोल जेट प्रेस करोगे तो आप वापस से बाहर आ जाओगे. इसके बाद पाइथन, आप यदि श्योर हो गया कि पाइथन का पाथ सेट है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर Django है कि नहीं है. उसके लिए पाइथन एम Django वर्जन ये लिखोगे. इसको लिखने के बाद जो भी Django का वर्जन यदि आ जाता है, देयर मीनिंग इज दैट कि Django आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड है. यदि नहीं आता है तो फिर वापस से आपको Django इंस्टॉल करना पड़ेगा. अब Django इंस्टॉलेशन के बाद अब मुझे क्या करना है? प्रोजेक्ट बनाना है. ठीक है? सबसे पहले Django में क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है. प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है? ऐप होता है. तो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है. मुझे कहाँ प्रोजेक्ट बनाना है? सी ड्राइव में नहीं बनाना. मुझे प्रोजेक्ट कहाँ बनाना है? ई ड्राइव में बनाना है. तो मैं यहाँ पर ई ड्राइव में चला गया. ठीक है? प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी इसमें क्या है? कमांड है. इसके लिए आपको सिंपल Django एडमिन, Django एडमिन ये प्रीडिफाइन आपका कमांड है. यहाँ पर स्टार्ट प्रोजेक्ट और जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ये सेंटेक्स है. प्रोजेक्ट बनाने का सेंटेक्स क्या है? Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है. मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया यहाँ पर. ठीक है? प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने इसमें फीड, या मैंने दे दिया इसमें क्लासिफाइड ऐप. ठीक है? मैंने दे दिया नाम इसका क्लासिफाइड ऐप. तो अब ये क्या करेगा? आपका ई ड्राइव में जाएगा. ई ड्राइव में जाने के बाद क्लासिफाइड ऐप नाम से क्या बना लेगा? एक फोल्डर्स बना लेगा. आप यहाँ पे देख सकते हो ई ड्राइव में जाकर के क्लासिफाइड ऐप करके उसने क्या बनाया? एक प्रोजेक्ट बनाया. जैसे आप इस प्रोजेक्ट में जाते हो तो इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर भी अपने आप बनेगा. इसे बोलते हैं ऐप या रूट ऐप बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? रूट ऐप बोलते हैं. और इस रूट ऐप के अंदर जाओगे तो आपको चार फाइल मिलती है. पहली फाइल इनिशियलाइजेशन फाइल होती है. ये फाइल आपका
जब भी आप इस फोल्डर पे हिट करते हो तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन फाइल कॉल होती है, ठीक है। इसके बाद urls.py, ये आपके प्रोजेक्ट का url, जैसे आप जब भी कोई वेब एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका एक url होता है, जैसे आप लिखते हो www.google.com, तो ये गूगल का url है, वैसे आपके प्रोजेक्ट का url होगा। उस url की पूरी एंट्री कहाँ पर होती है, urls.py में होती है। WSGI जो होता है ये वेब सर्वर के लिए होता है, इसे बोलते हैं वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। इसका काम क्या होता है, सर्वर को रन करना। और settings.py होता है जितने भी मॉड्यूल होते हैं, जितने भी पैकेजेस होते हैं, इनको कॉल करने के लिए क्या होता है, settings.py फाइल होता है। इसको मैं आपको सब लाइन में ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। आप इसको पाइथन को सब लाइन इज द बेस्ट, सब लाइन के अलावा आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी पाइथन का डेवलपमेंट कर सकते हो। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर में जाइए, ई ड्राइव में जाइए। जैसे आप ई ड्राइव में जाएंगे, क्लासिफाइड ऐप इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर आपको अभी सिर्फ init.py ब्लैंक फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है। setting.py में आप देख सकते हो Django सेटिंग फॉर क्लासिफाइड प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको जितने भी सीक्रेट की सिक्योरिटी प्री डिफाइंड जो पहले से बने बनाए ऐप्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। मिडिलवेयर ये क्या होते हैं, आपके थर्ड पार्टी होते हैं जो पाइथन और अलग अलग टाइप के डिवाइस के बीच में इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी इसके अंदर रखा हुआ है। इसके बाद इसने बता दिया कि इसका रूट यूआरएल क्या है, क्लासिफाइड ऐप डॉट यूआरएल्स, ये इसका रूट यूआरएल है। इसके अंदर टेम्पलेट आगे मैं बताऊंगा, डिजाइनिंग पर्पज से टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद ये सर्वर की पूरी डिटेल है कि भाई सर्वर कौन सा। इसके बाद डेटाबेस, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस होता है, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएलआईट, आपको अलग से डेटाबेस इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। और ये सिक्योरिटी के लिए क्या होते हैं, इसके अलग अलग पासवर्ड्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, तो ये पूरी चीज़ें इसके अंदर होती है। URLs के अंदर आपका URL रहेगा, बाय डिफॉल्ट अभी URL आपका क्या रहेगा, एडमिन, ठीक है। इसके अलावा आप अपने ऐप का URL भी यहाँ पे दे सकते हो। WSGI ये क्या होता है, आपका ये वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस होता है जो पाइथन के सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और manage.py, जैसे आप जब भी कोई कमांड चलाते हो तो आप क्या लिखते हो, पाइथन manage.py, तो ये जो manage.py है वो इसी फाइल का नाम है जो पाइथन के अंदर के एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप जब भी पाइथन का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर एक बाय डिफॉल्ट आपको एक रूट ऐप मिलता ही मिलता है, और उसके अंदर ये चार फाइल्स आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चारों फाइल के बारे में बताया। अब इसके बाद यहाँ तक हमारा प्रिपेयर हो गया, एक बार पाइथन आप चालू करके स्टार्ट करके देख सकते हो। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए भी क्या है, कमांड है, ये कमांड आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कमांड लिखते हैं अपन पाइथन manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पे सिंपल आप जाइए, यहाँ पे लिख दो, पहले आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। देखो अब यहीं पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट आपने बना लिया, अभी आप ई ड्राइव से डायरेक्टली आप ये कमांड चलाओगे तो नहीं चलेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के अंदर कैसे जाएंगे, cd क्लासिफाइड ऐप, यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए, प्रोजेक्ट के अंदर पहुँच गए। अब इसके बाद अब आपको कमांड चलाना है, मतलब कोई भी कमांड, यदि आपको कोई ऐप बनाना है, सर्वर चालू करना है, इन सब के लिए आपको पाइथन manage.py और यहाँ पे आ जाएगा रन सर्वर। ध्यान रखना इसमें कोई स्पेस नहीं होता, रन सर्वर, क्योंकि ये सब कमांड होते हैं। जैसे आप रन सर्वर करोगे तो पाइथन का जो सर्वर है, मतलब WSGI वेब सर्वर, वेब जो आपका वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस क्या हो जाएगा, आपका चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपको URL 127.0.0.1 का मतलब लोकल होस्ट होता है, और :8000 ये इसका पोर्ट नंबर है। अब आप ब्राउजर ओपन करिए, और जैसे आप ब्राउजर ओपन करोगे और आपको इस URL को मैनेज करना, 127.0. जैसे यहीं पर है, इसी को अपन क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें रिफ्रेश करूंगा तो Django का जो एप्लीकेशन है वो क्या हो चुका है, आपका इंस्टॉल, द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर इससे आप श्योर हो सकते हो कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब इसके बाद देखो, ये तो आपने बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज किया। अब इसके बाद हमारा जो मेन वर्क है वो है आपका ऐप के अंदर, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऐप। तो ऐप के लिए आपको सिंपल भी एक कमांड यूज करना पड़ेगा ऐप को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड दिस कमांड पाइथन मैनेज डॉट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको दो अलग अलग वर्ड यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट और एक ऐप, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कंप्लीट प्रोजेक्ट से, जैसे आपका ये जो क्लासिफाइड ऐप है, ये क्या है, आपका क्लासिफाइड ऐप क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, क्लासिफाइड ऐप नाम से एक ऐप है। ऐसे पाइथन में क्या होता है, पाइथन मॉड्यूल बेस्ड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। Django आपका मॉड्यूल बेस्ड एक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बनाने होंगे। मॉड्यूल मतलब टाइप ऑफ यूजर्स, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोजेक्ट में दो यूजर्स है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक कस्टमर है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अलग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, कस्टमर के लिए आपको अलग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको अब मुझे क्या बनाना है, इसके अंदर एक ऐप बनाना है, मैं हेलो ऐप बनाना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे कस्टमर के लिए एक ऐप बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल गया, अब वापस से आपका सर्वर चालू है, आप चाहो तो इस सर्वर को बंद कर सकते हो। वापस से बंद करने के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल सी प्रेस करना है। क्या सिर्फ प्रेस करना है? कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी प्रेस कर दोगे तो सर्वर आपका ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऐप बनाना है, ऐप बनाने के लिए भी आपको कमांड पता होना चाहिए, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और जो भी ऐप, जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर के लिए दे दिया मैंने कस्टमर कस्टमर्स, यहाँ पे दे दिया मैंने सिंपल, ठीक है। इसमें ऐप ऐप कोई प्रीफिक्स नहीं है कि आपको कस्टमर्स ऐप लिखना है, आप कस्टमर्स मैंने सिंपल यहाँ पे दे दिया और एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर में एक नया फोल्डर और क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स क्या, इसे बोलते हैं यूजर ऐप, मतलब एक ऐसा ऐप जो प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब रूट ऐप तो आपका क्लासिफाइड ऐप हो गया, अब यहाँ पे कस्टमर्स एक दूसरा ऐप हो गया। यहाँ पर भी देखो इनिट डॉट पी वाई है, इसके बाद एडमिन डॉट पी वाई, ये डैशबोर्ड के लिए होता है, बैकएंड के लिए होता है। एप्स डॉट पी वाई, यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके ऐप का नाम क्या है। मॉडल्स डॉट पी वाई, यहाँ पर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम करोगे, ये टेस्टिंग के लिए होता है। और व्यूज डॉट पी वाई, यहाँ पर आपको प्रोग्राम के लॉजिक लिखने हैं, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही मेरा एप्लीकेशन ओपन हो, वैसे ये कस्टमर्स ऐप जो है वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। कौन सा ऐप स्टार्ट होना चाहिए? कस्टमर्स ऐप स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। यहाँ से आपका मेन स्टेप चालू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इस कस्टमर्स ऐप की जो एंट्री है वो इस urls.py में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट जैसे ही आप स्टार्ट करते हो पहले किसके पास आएगा, क्लासिफाइड ऐप के पास आएगा। और क्लासिफाइड ऐप के पास आने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के पे जाना है, urls.py पे जाना है। तो यहाँ पर आपको अपने ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए ऐप को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐप को रजिस्टर करने के लिए आपको एक प्रोग्राम कोड मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज द प्रोग्राम इज दिस। ये कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए आपको सबसे पहले ये मॉड्यूल्स यूज करना पड़ता है, URL एंड दिस लाइन, ये कोड आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये कोड आपको पाइथन के अंदर हेल्प में मिल जाएगा, मैं अभी आप इस कोड को डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा पाथ एंड दिस। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जगह इसका मतलब होता है URL का नाम। URL का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे URL का नाम दे दिया कस्टमर, ठीक है। इसका नाम मैं कस्ट दे सकता हूँ, इसका नाम मैं सी दे सकता हूँ, ये आपका यूजर डिफाइन है, मतलब ये URL है। इसके बाद सेकेंड जो रहेगा ये आपके ऐप का नाम, ऐप का नाम क्या है हमारा, कस्टमर्स customers.url, ये हमने इंक्लूड किया। अब इसके अंदर हमने दो अलग अलग क्या किया है, कीवर्ड यूज किया, एक URL किया है और एक इंक्लूड किया है। पाइथन में जितने भी प्रीडिफाइंड मेथड्स हों, प्रीडिफाइंड क्लासेस हों, ये मॉड्यूल के अंदर होते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट दो मॉड्यूल है, एडमिन और पाथ। अब हमें अपने मॉड्यूल को भी क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इनके अंदर के मॉड्यूल्स को आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडमिन और पाथ ये तो एडेड है, अब हमें नया क्या इंप्लीमेंट करना है, दिस वन, तो django.config.urls, ठीक है, django.config.urls, ये आपको एक नया मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है। और इसके अंदर अपन ने इंक्लूड और URL जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसका हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया, क्योंकि यदि आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो URL क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे C++ के अंदर हेडर फाइल्स होते हैं, उनके अंदर प्रिंट ऐप स्कैन ऐप मैथड होते हैं, वैसे पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। तो पहले आपको जब भी कोई प्रीडिफाइंड फंक्शनलिटी आपको अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने URL यहाँ पर यूज़ किया और इंक्लूड यूज़ किया, तो इसके लिए मुझे अलग से इनको डिफाइन करना यहाँ पर मैंडेटरी, ठीक है। अब ये स्टेप फॉलो करने के बाद एक स्टेप आपका और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बचा हुआ है, दैट इज द कि आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद जो कस्टमर है यहाँ पर एक फाइल बनाना पड़ेगा, किस नाम से, urls.py के नाम से, ठीक है। तो ये फाइल आप यहाँ पे क्रिएट करिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है, क्योंकि अपन ये जो पाथ दे रहे हैं ये कस्टमर्स के अंदर urls.py का ही दे रहे हैं। अब अभी अपने फोल्डर पे urls.py एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए इसको हमें मैनुअली यहाँ पर राइट क्लिक करके बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बना दिया, कंट्रोल एस किया, urls.py, ठीक है, urls.py। ध्यान रखना कि यदि आप सबलाइन में काम करते हो तो आपको यहाँ से एक्सटेंशन नहीं देना है, आपको यहीं पर एक्सटेंशन लिखना है, urls.py। नाउ वी विल सेव दिस। अब इस urls.py में क्या होगा, ये इंटरनल URL है कि भाई अब आपका जो पर्टिकुलर ये ऐप है, इस ऐप में व्यू के अंदर कौन सा मैथड कॉल होगा,
ठीक है, इस ऐप का क्या डिटेल है? तो ऐप का जो यूआरएल होता है वो urls.py है, ये प्रोजेक्ट का यूआरएल है। तो प्रोजेक्ट का यूआरएल ये है, ऐप का यूआरएल ये है, और प्रोजेक्ट के यूआरएल में हमने ऐप के यूआरएल को इंटीग्रेट किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐप के यूआरएल में जनरली हमें क्या लिखना है, दैट थिंग्स आई एम डिस्कसिंग। ये आपका ऐप का यूआरएल है, इस यूआरएल पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना है कि ऐप के यूआरएल में देखो ये तो पहले आपको लिखना ही है क्योंकि ये मॉड्यूल के अंदर ही आपका यूआरएल है, इसलिए इसके लिए अपन ने इंपोर्ट किया। डॉट इंपोर्ट व्यूज, इसका मतलब ये है कि व्यू के अंदर के जितने भी मैथड्स हैं सब आप यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर url views dot index, ये आपका नाम है जिसको आपको मैनेज करना, मतलब views dot py में किस मेथड को आपको चलाना है, बस ये स्टेप आपको फॉलो करना है। ओके, अब एक बार आप यहाँ पर एप्लीकेशंस को स्टार्ट करके देख लो यदि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा एप्लीकेशन बना लिया और बाद में चालू करोगे तो आपको एरर डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले अपन इसको चालू करते हैं। चालू करने के लिए आपको पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर ये स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे देखो अभी ये प्रॉब्लम इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नाम से कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पर इसका पाथ दे दिया और हमने इंडेक्स मेथड डिफाइन नहीं किया है। तो आप यहाँ पर इंडेक्स नाम से एक मेथड बना दो, डेफ इंडेक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा रिक्वेस्ट पैरामीटर आपको पास करना है। यहाँ पर आपको जो भी अभी मैंने यहाँ पे क्या सिंपल क्या लिख दिया, पास लिख दिया, नाउ इट्स ओके। ठीक है, यदि आपको कुछ भी नहीं लिखना तो आप क्या लिख सकते हो, पास लिख सकते हो। अब मुझे यहाँ पर यहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि अब इसके एप्लीकेशन में आपका किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं है। अब मैं इस एप्लीकेशन को एक बार चला करके देखता हूँ, जैसे मैं इसको चलाऊंगा इसके लिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखो तो यहाँ पर आपको देखो दो आ गया, एक कस्टमर है दूसरा एडमिन है। आपको किस में जाना है, यहाँ पर मैं लिखा स्लैश कस्टमर, जैसे मैं स्लैश कस्टमर में जाऊँगा तभी यहाँ पर कस्टमर के अंदर कुछ भी नहीं है, वो बोल रहा है कि HTTP response object आपने यहाँ पर implement नहीं किया था, आप पहले HTTP response object implement, देखो error भी समझो, ये कौन सा error दे रहा है, ये value error दे रहा है कि इसमें किसी भी type की कोई values आपके define नहीं है। तो वहाँ पे आप return HTTP response और जो भी आपको message देना है H1 welcome in customer panel, ठीक है customer panel ये हमने लिख दिया। अब ये जो HTTP रिस्पॉन्स है RESPONSE, ठीक है HTTP जो रिस्पॉन्स है ये भी किसी ना किसी किसके अंदर होता है, किसी ना किसी मॉड्यूल के अंदर होता है। तो आपको इसके लिए भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और ये मॉड्यूल होता है django.http। कौन सा मॉड्यूल होता है, django.http। इस मॉड्यूल्स को आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना, ठीक है। देयर मेनी के देयर मैंने आपको बताया कि पाइथन के जेंगो के अंदर कुछ भी प्रीडिफाइंड फीचर्स को यदि आपको अप्लाई करना है तो उसके रिस्पेक्टिव जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं इस एप्लीकेशन को मैं चलाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वेलकम इन कस्टमर पैनल यहाँ पर आपके सामने इंप्लीमेंटेड होगा। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। देयर मेनी के देयर कि मैंने जो स्टेप्स आपको फॉलो किया वो स्टेप्स में यही है कि सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। मैं आपको रिस्पेक्टिव कमांड्स एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने देखो, यहाँ पर आप ये जो पर्टिकुलर एरो है अप एरो और डाउन एरो से आप पुराने कमांड भी देख सकते हो। पहला स्टेप ये था वर्जन चेक किया, दूसरा स्टेप ये था कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तीसरा स्टेप प्रोजेक्ट के अंदर मैं एंटर किया, चौथा स्टेप सर्वर को चालू किया, पाँचवा स्टेप मैंने ऐप बनाया, ठीक है। चौथा स्टेप अगेन सर्वर को मैंने चालू किया, ठीक है। और ऐप बनाने के बाद जैसे आप ऐप बनाते हो तो बस ऐप के अंदर आपको urls.py इस ऐप की एंट्री कहाँ पे करनी पड़ेगी, इस urls.py में करनी पड़ेगी, और इसके बाद अपने ऐप की भी अपनी एक अलग से urls बनानी पड़ेगी, ओके। अब जैसे इसके अंदर मुझे और मेथड्स बनाने हैं, जैसे मैं यहाँ पर दूसरा मेथड बनाना चाहता हूँ, तीसरा मेथड बनाना चाहता हूँ, मल्टीपल मेथड बनाना चाहता हूँ, तो वो सभी मेथड्स आप जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स है, अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पर एक अबाउट करके मेथड बनाना चाहता हूँ, आई विल गो हियर, और यहाँ पर मैंने अबाउट नाम से क्या बना दिया, एक मेथड बना। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टार्टिंग मेथड होगा वो कौन सा होगा, वेलकम इन अबाउट अस, मेरा स्टार्टिंग मेथड कौन सा होगा, अबाउट मेथड होगा, ठीक है। तभी देखो अभी यदि अपन रिफ्रेश अभी इसके बाद फिर से सर्वर को चालू करते हैं, जैसे हम सर्वर को चालू करते हैं, सर्वर को चालू करने के बाद रिफ्रेश करते हैं अभी तो आपका वेलकम इन कस्टमर पैनल ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अबाउट मेथड आए तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सिंपली आपको urls.py में जाना है और यहाँ पर views.about करना है। देयर मीनिंग इज दैट कि ये अबाउट मेथड में जाएगा, ये तो इसका नेम है, नेम का यूज अभी अपन नहीं कर रहे हैं। अबाउट, अब
अपने आप ही कौन से मेथड में जाएगा, अबाउट मेथड में जाएगा, और जो अबाउट मेथड के अंदर का जो कोड लिखा हुआ है दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, वेलकम इन अबाउट, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक चीज़ों का जो पर्टिकुलर पैटर्न वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका url.py है, इस url.py के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारे व्यूज के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं और हर एक मेथड्स का रिस्पेक्टिव url क्या है, ठीक है। मतलब हर एक मेथड का रिस्पेक्टिव url आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। views.py के अंदर हमारे पास सेट ऑफ मेथड्स होंगे, जितने भी मेथड्स आपको बनाना है वो सभी मेथड्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं आगे बताऊंगा आपको व्यू क्रिएट करना। तो व्यू क्रिएट करने के लिए आपको views.py का नाम यहाँ पे व्यू क्रिएट करने के लिए नहीं होता, इसका काम होता है व्यू को कनेक्ट करना। तो इट इज़ यूज टू कनेक्टिंग द व्यू। व्यू क्रिएट करने के लिए आपको अलग स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टेप्स मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो आपका urls.py है इसके अंदर आपको सिर्फ ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। और ये लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये आपके ऐप का url है, इसका नाम यदि मैंने abc दे दिया तो आपका ऐप abc के नाम से भी ओपन होगा। और ये आपके इंटरनल ऐप के अंदर जो urls.py है उसका डिटेल है। जैसे मैंने आपको ऐसा लिख दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो url में क्या जाएगा, आपका abc आएगा। क्या आएगा? abc आएगा। और ये आपका आ गया वेलकम इन अबाउट। तो दिस इज द url नेम, ठीक है। लेकिन url का नाम आप ऐसा दो जिससे आपको बाद में याद रहे कि भाई कस्टमर के लिए कस्टमर्स url होगा, ठीक है। आप abc दोगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी अपने को मैनेज करना है वो चीज़ें अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये समझाया भी है आपको, यदि हेल्प में जाना है तो यहाँ पे आप जा भी सकते हो कि यहाँ पर पाथ होता है views.home name equals to home, ठीक है। यहाँ पर आपका पाथ होगा, जो भी आपको पाथ देना है। जैसे अपन ने ब्लॉग दे दिया तो यहाँ पे ब्लॉग सेफ दे दिया, तो यहाँ पे इंक्लूड blog.urls लेना पड़ेगा। वो सब बता रहा है कि आपको इस तरीके से इसके अंदर क्या है इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, ओके। इस तरीके से हमने ये सेशन क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। थैंक्स फॉर दिस।